Hello friends, good morning and welcome back in Chill with Chemistry. मैं हूं विपिन वत्स और आज का जो मेरा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन एंड हैलोएरीन. ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन. फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर लिया, ठीक है, और अब स्टार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन एंड हैलोएरीन. और इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोल्केन एंड हैलोएरीन में. ओके, और जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होता है ना इसी के अराउंड क्या करता है, घूमता रहता है. कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, कहीं पे भी जाओ, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, जेई हो, नीट हो, हर जगह सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से क्वेश्चन आता है. तो अगर हमने ये दो टॉपिक खत्म कर लिया तो ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया हैलोल्केन एंड हैलोएरीन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना. ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट मींस कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय अ न्यूक्लियोफाइल. ओके, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहां पर देखो मैंने आरएक्स एल्काइल हैलाइड. ओके, बिकॉज हम लोग एल्काइल हैलाइड ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है. तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर X को रिप्लेस करना है, X को सब्स्टिट्यूट करेगा, कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कौन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना. तो यहां पे जरा देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आर एन यू प्लस एक्स माइनस, ठीक है. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां से X रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू, एन यू के थ्रू, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल के थ्रू. ओके, तो प्रोडक्ट आर एन यू हो गया और एक्स माइनस. अब जरा देखो यहां पर एक्स माइनस क्या होता है जी, लिविंग ग्रुप होता है. ये जो यहां से निकल रहा है तो निकलने वाले को क्या बोलोगे, लिविंग ग्रुप बोलोगे. ऑलवेज रिमेंबर जो x माइनस है, अब माइनस प्लस क्या होता है, आई विल टेल यू. ओके, दिस इज द लिविंग ग्रुप. हाँ, समझ में आ रही ना. तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है तो हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल करता है तो उसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे टाइप्स होता है. जैसे मुझे यहाँ पे पढ़ना है कि एस एन वन पढ़ना है, एस एन टू रिएक्शन, एस एन आई रिएक्शन, एस एन बेंजाइन रिएक्शन और एस एन एमजेपी रिएक्शन. ओके, हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा. बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा. जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके पूरे ऊपर तक जाएंगे कि एडवांस में कैसा क्वेश्चन आता है, मेंस में कैसा आता है, नीट में क्या क्वेश्चन है. एंड आई होप अगर वीडियो के अंत तक बने रहोगे और पूरा जो एक सिस्टमैटिक मेरा सीरीज आएगा बच्चे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, जितने सारे जो सिस्टमैटिक वे में मैं वीडियो डालूंगा उसको देखना जरूरी है. अगर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट अगर क्या क्लियर करना है तो ऐसा नहीं आप एक वीडियो देख लोगे बोलोगे सारा एसन वन का क्वेश्चन बन जाए. वीडियो देखने का मतलब क्या, प्रॉब्लमेटिक होना, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. अगर प्रॉब्लम बना रहे हो, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वहां पे दिमाग चलना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, क्या मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं. ओके, इसलिए सिस्टमैटिक वे में वीडियो को देखना बहुत जरूरी है. और अगर देखोगे तो मैं पूरी श्योर हूं यार क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 100% क्वेश्चन बनेगा. बात समझ में आ रहा है ना. तो एस एन वन और एस एन टू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम दे रहे हो वहां पे आएगा, जेई दे रहे हो वहां पे आएगा, नीट दे रहे हो वहां पे आएगा, मतलब हर जगह देखोगे तो एस एन वन और एस एन टू का ही जलवा होता है. समझ में आ रहा ना. तो एस एन वन और एस एन टू को क्या बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. और जब ये दोनों समझ में आएगा ना तो ये सारे तो बड़े आराम से समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इनको पहले मैं नीचे वाले को थोड़ा सा मिटा देता हूं. बात समझ में आ रही ना. तो यहां पे जरा देखो SN1 और SN2, और आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो SN1 रिएक्शंस का होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा SN2. हर एक लेक्चर में एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे, पूरी एलेबरेट करके उसको एक्सप्लेन करेंगे. बात समझ में आ रही है. अब जरा देखो यहां पर मैं समझा रहा हूं, यहां पर मैंने क्या बोला था, देखो एक मेरा हो गया SN1, ठीक है, दूसरा मेरा क्या हो गया एस एन टू रिएक्शन होगा, ठीक है. अब जरा देखो यहाँ पे बोथ आर एस एन वन और एस एन टू बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सबसे पहले तो एस एन वन होता क्या है, एस एन टू क्या होता है, इसके मीनिंग को बढ़िया से समझ जाओ, ठीक है, बाद में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है. एस एन वन और एस एन टू बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस और नो, ठीक है. जैसे मान लो यहां से तुम चल रहे हो और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है. बात समझ में आ रही है. तो यहां से जाने के लिए हो सकता है ये मेरा ये रास्ता है,
यहां से जाने के लिए हो सकता है मेरा ये रास्ता है, मंजिल क्या है जी, मंजिल मेरा सेम है बट रास्ते अलग अलग है। अब मुझे किस कंडीशन, मान लो पाथ वन है और ये पाथ मेरा टू है, तो यहां से आप यहां पे जा रहे हो तो हो सकता है कभी पाथ वन को चूज कर लो, हो सको यहां पे पाथ टू को चूज कर लो। किस कंडीशन में आप पाथ वन यूज करोगे, कब पाथ टू चूज करोगे, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। I'm right, okay? बात समझ में आ रही ना। तो SN1 और SN2 reactions, both are nucleophilic substitution reaction, दोनों ही substitution reactions हैं, और SN1 और SN2 क्या हो गया, एक path हो गया, अलग अलग रास्ते। मान लो कि कोई chemical reactions है, undergo nucleophilic substitution reactions via SN1 और SN2, कब वो SN1 को फॉलो करेगा, कब वो SN2 को फॉलो करेगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको मेंशन कर दूं, ये SN2 पाथ है और ये SN1 पाथ है, यहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो किस पाथ को चूज करेगा, SN2 को चूज करेगा या SN1 को चूज करेगा। ये सब, ये सारी बातें समझनी है मुझे कि कब वो SN1 में जाएगा और कब SN2 में जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये एक्स के फॉर्म में निकल रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आर एक्स को, यहाँ से जो एक्स निकल रहा है ना, सब्स्टिट्यूट करने का दो तरीका हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि ये जो लिविंग ग्रुप है वो पहले चला जाए, बात समझ में आ रही है, उसके बाद क्या हो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करे, पहला टर्म्स समझ में आ रहा है ना, लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट देन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज। और सेकंड स्टेप में क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि जैसे जैसे यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल यहां पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि अभी लिविंग ग्रुप गया नहीं है, अभी लिविंग ग्रुप नहीं गया है और न्यूक्लियोफाइल इससे आगे क्या करे, अटैच कर जाए, बात समझ में आ रही है ना। तो तीसरी वाली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मान लो कि ये कार्बन है, यहां पे एक्स अभी जुड़ा हुआ है और ये हटा नहीं और यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, ये कंडीशंस क्या होगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी, फाइव वैलेंसी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा वाला जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, दो ही कंडीशंस पॉसिबल होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने का, पहले क्या मैंने बोला कि लिविंग ग्रुप पहले चला जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये यहां से जैसे जैसे लीव करेगा न्यूक्लियोफाइल वैसे वैसे इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, दो बात। ठीक है, अब जरा देखो SN1 रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, SN1 वाली बात में ये क्या होता है, यहां पे जरा आप देखो, यहां पे इसमें याद रखना एक बात कि जो लिविंग ग्रुप गोस, इसमें क्या होता है, लिविंग ग्रुप गोस एंड न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस, सॉरी, लिविंग ग्रुप गोस, लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट, ओके, एंड देन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस। ठीक है बच्चे, और SN2 में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, SN2 वाले में क्या हो जाएगा बताओ, कि लिविंग ग्रुप गोज, लिविंग ग्रुप गोज एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस, साइमल्टेनियसली, राइट। इसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ होगा, जैसे जैसे लिविंग ग्रुप निकलेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अप्रोच करेगा, है ना। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसको बिल्कुल आप दिमाग में रखोगे, ठीक है ना, कि SN1 में क्या होगा, पहले न्यूक्लियो, ये पहले लिविंग ग्रुप जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, और इसमें क्या होगा, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं। अब जरा एक बात मैं यहां पे समझा दूं, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब जरा देखो किस कंडीशंस में ये दोनों रास्ता है, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है तो वो किस रूप पाथ को फॉलो करेगा, SN1 को करेगा या SN2 को करेगा, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बात समझ में आ रही है ना। अब जैसे देखो यहां पे ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मान लो यहां पे यहां से मुझे चल करके यहां पे जाना है, बात समझ में आ रही है ना। दो रास्ता है यहां पे, जरा देखो ये दो रास्ता है, मान लो कि SN2 है और यहां पे क्या है, SN1 रिएक्शन है, बात समझ में आ रही है। SN1 वाले में देखो क्या हो रहा है, एक पहले जा रहा है, मतलब लिविंग ग्रुप पहले जा रहा है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। मतलब इस पाथ पे क्या हो रहा है बताओ, कि मान लो कि ये पाथ है, ये वन वे टाइप का है ना, कि इस पहले एक जा रहा है और उसके बाद फिर आ रहा है, बात समझ में आ रही है। और इस वाले में क्या हो रहा है, जा भी रहा है और आ भी रहा है, साइमल्टेनियसली
एक ऐसा रास्ता जहां पे एक ही रास्ता है, उस पर क्या हो रहा है, गड्डी जा भी रही है, गाड़ियां जा भी रही है, आ भी रही है, तो वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, कंजेशन ज्यादा होगा वहां पे, बात समझ में आ रही है ना। और इस वाले में क्या, एक ऐसा रास्ता होता है, वन वे होता है, मतलब इधर से जा रही है और दूसरे वाली से आ रही है, ठीक है, तो वहां पे ट्रैफिक का कोई चांस नहीं होता। SN1 और SN2 दो रास्ता है, देखो यहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, एक से जा रही, मतलब लिविंग ग्रुप पहले गया उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहां से लिविंग ग्रुप निकल भी रहा है और वहीं से फिर क्या हो रहा है बताओ, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यहां पे थोड़ी बहुत क्या ट्रैफिक है, बात समझ में आ रहा है। अब एक बात मैं तुमसे पूछता हूं कि यहां से तुम यहां पे जा रहे हो, ठीक है भाई, जा रहे हो ना, बेसिक्स है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, ठीक है। मान लो कि यहां से आप यहां पे जा रहे हो, यहां से यहां पे जा रहे हो, बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, मान लो कि अगर तुम्हें यहां से बैठ, तुम ट्रक के ऊपर बैठ के जा रहे हो, यहां पे यहां से किस पे जा रहे हो बताओ, ट्रक के ऊपर तुम जा रहे हो, है ना, किससे जा रहे हो, ट्रक से जा रहे हो, ठीक है। अब ट्रक से तुमको यहां से यहां पे जाना है, अब बताओ तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे, जिसमें हैवी ट्रैफिक है या फिर क्या वन वे वाला रास्ता, जा रहा है और आ रहा है, डेफिनेटली किसको चूज करोगे, इसको चूज करोगे, ठीक है। अब मान लो कि अगर तुम स्कूटी पे जा रहे हो, अगर स्कूटी से जा रहे हो यहां से यहां पे जा रहे हो, ठीक है, तो स्कूटी छोटा होता है ना, वहां पे ट्रैफिक ब्रेक कोई चांस नहीं होता, तो ये क्या सोचोगे, यार स्कूटी छोटा गाड़ी चल इधर से निकल लेंगे, बात समझ में आ रही ना। तुम एक ही बंदे हो, एक बार ट्रक से जा रहे हो तो इसको चूज कर रहे हो और स्कूटी से जा रहे हो इसको चूज करोगे, बोलो। मान लो कि ये हाईवे है और हाईवे पे तुम स्कूटी लेके जाओगे तो क्या दूसरी वाली गाड़ी उड़ा देगी ना तुमको, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास स्कूटी है तो सोचोगे चलो जो भीड़भाड़ वाला एरिया वहीं से निकल लेंगे अपना, यूं यूं करके निकल लोगे, नहीं। बट अगर ट्रक को मार्केट में लेके घुस जाओगे तो पता चला 4 दिन तक तो वहीं फंसा पड़ा है, बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो देखो एक ही रिएजेंट एक ही है, सिचुएशन अलग हो गए ना, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर यहां पे कोई ऐसा कम रिएक्टेंट है जो बल्कि ग्रुप है, बल्कि इन साइज है, बड़ा ग्रुप है, ठीक है, वो किसको फॉलो करेगा, SN1 को, और जहां पे छोटा ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप है, वो किसको फॉलो करेगा, SN2। तो बात समझ में आ रही है ना कि किस कंडीशंस पे SN1 रिएक्शंस फॉलो करेगा और किस कंडीशंस पे SN2 रिएक्शंस फॉलो करेगा, डिपेंड करेगा क्या, बहुत सारे फैक्टर्स है, है ना, किस किस फैक्टर्स, हम लोग सब कुछ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी इतना जान लो कि जिसका बल्कि इन साइज है, बड़ा ग्रुप है, वो प्रेफर करेगा SN1 रूट को, और जो छोटा ग्रुप है वो किसको फॉलो करेगा, SN2 रूट को। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे CS3 लगा दिया, है ना। अब देखो दिखने से तुमको बड़ा साइज दिख रहा है और एक हमने मान लिया CS3 CL ले लिया, ये दिखने से देखो बड़ा ग्रुप लग रहा है ना, बड़ा है, और ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है किसमें चला जाएगा, SN1 को फॉलो कर लेगा, और ये जो छोटा है स्कूटी वाला भाई, ठीक है, वो किसको फॉलो करेगा, SN2 रूट को फॉलो करेगा, बात समझ में आ रही ना, किस किस कंडीशंस में। एक तो अभी ये छोटा एग्जांपल मैंने बताया कि एक रफली तुम देख करके पकड़ सको कि भाई ये SN1 पाथ में जाएगा या फिर SN2 पाथ में जाएगा। तो आओ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, SN1 रिएक्शंस। तो आप हेडिंग बना लो, SN1 रिएक्शन हेडिंग बना लो, ठीक है ना। पहले मैं डेफिनेशन देखूंगा, ठीक है, कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर एक्सप्लेन करने आ गया तो आप वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चे यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो SN1 रिएक्शन बोले तो SN1 रिएक्शन। ओके, अब देखो ये होता क्या है, व्हाट इज SN1 रिएक्शन। सबसे पहले मैं यहां पे डिफाइन कर दूं, ओके, मैं डिफाइन कर दूं द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एक और डेफिनेशन लिखवाता हूं यहां पे, दूसरा डेफिनेशन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच rate of reaction directly depends on the
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, ठीक है। ये दो डेफिनेशन मैंने लिखवाया, समटाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है एक्सप्लेनेशन वन रिएक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख करके भी आप दिखाओगे और कोई एग्जांपल्स दिखाओगे। ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन है ना डिपेंड करता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करेगा अब उसको बोलोगे क्या एसएन वन रिएक्शन। और जब मैं इसका भी एग्जांपल लूंगा तो अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो समझ में आएगा नहीं, अब इसको मैं फटाफट इसको कॉपी कर लो, मिटाऊना, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बात समझ में आ रही ना। एक एग्जाम्पल्स लेकर के मैं दिखाता हूं यहाँ पे, जरा समझो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया, सपोज करो CH3 है ना, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमने करवाया KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ करवाया रिएक्शन। सो प्रोडक्ट विल बी, द प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट अपना ये बनता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनता है। अब देखो सब्सटीट्यूट है, यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, OH माइनस आयन आएगा, OH माइनस आयन, K प्लस एंड OH माइनस आयन। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, Cl यहां से निकलेगा एज यूजुअल, और उसके जगह पे कौन आएगा, OH आएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा मेरा Cl माइनस आयन, और यही मेरा क्या हो गया Lg लिविंग ग्रुप हो गया, और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब ये मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, सबको दिख रहा होगा, सीएल हट करके OH आ रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, OH माइनस आयन मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब जैसे देखो ये बल्की ग्रुप है, SN1 रूट को फॉलो करेगा, और मैं पढ़ भी रहा हूं SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन का बच्चे अगर मैकेनिज्म आप देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे इसका, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं इसकी, ठीक है ना, तो याद रखना कि टू स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं। इट इज टू स्टेप रिएक्शन, दो स्टेप रिएक्शन होगा, टू स्टेप रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इससे ज्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बच्चे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जरा देखो यहां पे हमने CH3 लिखा, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहां पे आ गया क्या Cl। तो पहला स्टेप में क्या होता है बच्चे बताओ, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करेगा तो Cl किस फॉर्म में निकलेगा, Cl- के फॉर्म में, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, दूसरे के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, Cl- हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ओके, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, आप जरा देखो यहां पे CH3, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से OH माइनस आयन आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3, और ये बन जाएगा क्या OH, ठीक है। This is two step reactions. ये था first और ये हो गया क्या second step reaction. जरा इसको copy कर लो जल्दी से। This is two step reaction. Basics है पहले कर लो, है ना, first lecture है SN1 reaction का, इसलिए मैं एक एक करके यहां पे mention कर रहा हूं, ठीक है। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं बोला ना इसमें बहुत आगे तक भी जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत पालना। आप इसको कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, ऊपर वाला मैं लिखा बिटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप रिएक्शन होता है, दो स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा अटैक क्या होता है, अटैक करता है, ठीक है। अब जरा देखो, देखो जो ये जो पहला स्टेप होता है बच्चे, वो स्लो स्टेप होता है, समझ में आ रहा है ना। और जो स्लो स्टेप होता है वो होता है तुम्हारा आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लिख देता हूं मैं यहां पे, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज द आरडीएस, है ना, ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात समझ में आ रहा है, अरे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ रेट होता है ना, और वो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो जो स्टेप स्लो हो। देखो दिस इज वेरी फास्ट,
ये बहुत ही फास्ट है, मतलब यू नो पलक झपकाया रिएक्शंस हो गया, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में जब रेट बहुत फास्ट हो तो वहां पर रेट डिटरमाइन करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो ओवरऑल रिएक्शंस का क्या करता है, रेट देता है। बात समझ में आ रही ना? तो ओवरऑल ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब जरा देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट था ना, एक था हमने क्या लिया अल्काइलाइड और दूसरा क्या लिया था KOH। बात समझ में आ रही ना? और जब ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इस स्टेप में देखो सिर्फ अल्काइलाइड आया है, है ना, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो। तो यहां पे अगर तुम अगर रेट दिखाओगे, रेट इज इक्वल टू यू नो लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या कहता है बताओ, कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है रिएक्टेंट का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोलो, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट के ऊपर मेरे भाई कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो किसी भी रिएक्शंस का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यू नो, ठीक है। अब जरा देखो जो रिएक्टेंट है पहला स्टेप में वो सिर्फ और सिर्फ कौन आया बताओ, एल्काइल हैलाइड आया है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आया है, KOH फर्स्ट स्टेप में कहीं इसका यूज नहीं है, कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ में आ रही ना? तो KOH के ऊपर मतलब न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन के ऊपर यहाँ पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताओ कंसेंट्रेशन ऑफ, क्या मैं ऐसे लिख दूं, TBUCl थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, और इस साइन को हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं ना, के बोलो TBUCl हो गए। बात समझ में आ रही ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, के इज द रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। NTBUCl दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ब्यूटाइल क्लोराइड, हमने KOH यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वो नहीं आ रहा है और जो अपना जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो पहला स्टेप ही है। बात समझ में आ रही ना? बोलो, यहां पे क्लियर हो गया कि मैंने देखो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, ठीक है। दो दो यहां पर रिएक्टेंट था, एक कौन था बताओ, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, दूसरा KOH हमने लिया था, ठीक है। बट दोनों के ऊपर डिपेंड ना करके सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो आप यहां पे इसका पावर क्या बोलोगे बताओ, वन, बोलो पावर वन है, पावर वन है ना, तो वही उसका क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो यहां पर ऑर्डर भी कितना हो जाएगा बताओ, वन बोलोगे, है ना। इसलिए मैंने लिखवाया था कि SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करता है, और ऑर्डर क्या होता है बताओ, ऑर्डर यहाँ पे क्या बोलोगे कि जब तुम रेट कांस्टेंट लिखोगे उसका, तो उसके टाइम में है ना जो पावर होता है कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है वही वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ये तुम्हारा डेफिनेशन क्या हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया, ठीक है। मैं जरा यहाँ पे नीचे मिटा दू, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लेस्ट स्टेप मैंने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहां पे ऐसे भी लिख दिया मैं कि फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस, फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस। दूसरा यहां पे क्या लिखोगे बताओ, कि कार्बोकेटायन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट में फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। कार्बोकेटायन क्या हो रहा है बताओ, इंटरमीडिएट के फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं यहां पे, ठीक है। और दूसरी बात यहां पे जरा देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा मेरे बच्चे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर तुमको SN1 रिएक्शन में किसी का भी रेट निकालना है ना, विच इज फास्टर इन SN1, राइट, क्या चेक कर लोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे, मेरा आंसर निकल जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और दूसरी यहां पे रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, रेट डायरेक्टली क्या, लिविंग टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लिविंग टेंडेंसी के ऊपर, है ना। मींस जो ग्रुप लीव कर रहा है, जो लिविंग ग्रुप होता है, अगर वो आसानी से निकल जाता है, इजिली वहां से निकल जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बोलो कोई ऐसा जिद्दी ग्रुप लगा दो वो निकले ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो जब तक वो निकलेगा नहीं तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे, मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। इसलिए दोनों के ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, लिविंग टेंडेंसी के ऊपर क्या करेगा बताओ, वो डिपेंड करेगा। एक बात यहां पे और लिख दूं यहां पे, द रिएजेंट राइट विच गिव स्टेबल कार्बोकेटायन, जो भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा विल फॉलो SN1 रिएक्शन, विल फॉलो
SN1 रिएक्शंस को वो फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? ये दो तीन बातें क्या दिमाग में सेट रखोगे ठीक है, ठीक है? कि वैसा रिएजेंट वो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, वो किस रिएक्शन को फॉलो करेगा? SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। जल्दी से आप पहले इसको कॉपी कर लो, बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले जल्दी से कॉपी कर लो ठीक है। अब देखो कितना आसान है यार, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, बात समझ में आ रही ना? फटाफट फटाफट बना लोगे ठीक है। हम लोग अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। आज का लेक्चर मेरा क्या रहेगा बताओ? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक के ऊपर है, बात समझ में आ रही ना? अब जरा देखो, अगर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात करोगे, जब भी रिएक्टिविटी चेक करना आपने, तो क्या चेक कर लोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक कर लोगे क्या? ठीक है, अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सबको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब 2 डिग्री से ज्यादा होती है, सबसे नहीं बोल रहा मैं ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो? ज्यादा हो जाएगी ना, देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड सबसे छोटा छोटू मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये आपका होता है क्या? स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। क्या होता है ये? स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, यू नो ठीक है। तो अब बताओ SN1 रिएक्शन में किसकी रिएक्टिविटी होगी? जो भी ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखोगे यहां पे बच्चे, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड किसका? अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चंस वाले पोर्शंस के ऊपर। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन किसका हो जाएगा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन कोई सा भी मिथाइल वाला आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ये ऑर्डर होता है क्या? रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। क्या कोई प्रॉब्लम? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अरे चेक करना है, बिल्कुल चेक करोगे। SN1 में रिएक्टिविटी पूछेगा ना, क्या करोगे बताओ? आंखें बंद करके क्या करोगे? डिग्री चेक कर लेना। ओके, वेदर द कंपाउंड इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो जो टर्शरी वाला होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बोलो? ज्यादा हो जाएगी ठीक है ना। अगर अल्काइल हैलाइड में अगर आप देखोगे, अल्काइल हैलाइड वाले में अगर देखोगे ठीक है ना, तो यहां पे देखो RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन यहां पे क्या होगा? RBr, देन यहां पे क्या होगा? RCl, देन होगा यहां पे RF ठीक है। बिकॉज देखो ये टूट करके क्या बनाएगा बताओ? I माइनस बनाएगा, फिर कौन बनाएगा बताओ? Br माइनस, फिर क्या होगा? Cl माइनस, और ये टूट करके F माइनस बनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये तुम्हारा ऑर्डर होता है क्या? लिविंग टेंडेंसी। ये ऑर्डर क्या बताओ? लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? आई माइनस इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप। आई माइनस क्या होगा बताओ? इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप होता है। बात समझ में आ रही बच्चे? गुड लिविंग ग्रुप क्यों भाई बोलो? आयोडीन की साइज बड़ी होती है ना बोलो? हाँ, आयोडीन की साइज बड़ी होती है ना बोलो? हाँ, जब साइज बड़ी है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बड़ा होगा। और मैं बार बार बताता हूं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बहुत ही वीकर बॉन्ड होता है, छोटी बॉन्ड होती है, छोटी सॉरी जो जो बड़ा होता है वीकर बॉन्ड होता है ठीक है। वीक फटाक से टूट जाएगा है ना, यहां से टूटेगा फटाक से आई माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो मान लो किसी कंपाउंड के साथ एफ है और आई है, तो आसानी से कौन टूट जाएगा? आई वाला। और आई वाला टूटेगा मतलब क्या? निकल जाएगा आराम से, लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि आई माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। कहीं पे भी आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन वाला केस आता है तो आयोडीन की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा हो जाएगी, वो SN1 रिएक्शन हो या फिर SN2 रिएक्शन हो। सारे रिएक्शन आयोडीन वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिमेंबर, क्लियर हो गया ना? रीजन बिकॉज आई माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जरा आप इसको कॉपी कर लो। समझ में आ रही है स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मान लो है ना कि अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर में पूछूं, अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 रिएक्शन, ओके, वेज फास्टर इन SN1 रिएक्शन। जैसे अगर सपोज कर लो हमने ये लिया CH3 CL ठीक है, दूसरा हमने ले लिया CH3 CH3 HCl, और फिर हमने ले लिया CH3 CH2 Cl ठीक है। अब यहां पे पूछना है कि SN1 में विच रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन, कुछ नहीं करना, डिग्री चेक करना है ना। अब जरा देखो, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है,
ये 2 डिग्री अल्काइल ऐड है, ये 1 डिग्री अल्काइल ऐड है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? ये ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा क्यों बताया था बोलो? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बन के टैन बना रहा है, 3 डिग्री कार्बन के टैन की स्टेबिलिटी बच्चे सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही ना? कोई प्रॉब्लम नहीं अल्काइल ऐड वाले केस में, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा, अगर मैं मान लो कि ऐसा ले लिया, यहाँ पे मान लो कि मैंने ऐसा ले लिया, देखो मान लो हमने ऐसा ले लिया, ये टर्शियरी ये सीएल ले लिया, और यहां पे मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, बीआर बना दिया। समझ में आ रहा? देखो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, काम नहीं चलेगा। किसको चेक करोगे? क्लोरीन और ब्रोमीन को। बताओ सीएल माइनस क्लोरीन और ब्रोमीन में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो ब्रोमीन होगा ना, बिकॉज ब्रोमीन की साइज क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी, ये बॉन्ड आसानी से टूट करके निकल जाएगा, सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बच्चे ये हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, मैंने यहां पे सीएल ले लिया 3 डिग्री और ऐसा बना दिया, देखो ये सीएल है, बताओ ये 2 डिग्री, किसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा? ये हो जाएगा बोलो। आइए ना, जरा जल्दी से कॉपी करो, अभी तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही तो करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही तो खेलना है, मिटाओ इसको। व्हिच रिएक्ट्स फास्टर इन एजिंग वन रिएक्शन? ठीक है, अगर मान लो कि मैंने ये ले लिया, ठीक है मेरे बच्चे, देखो हमने ये ले लिया सीएल और यहां पे लगा दिया क्या, CH2Cl। बोलो कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? चेक कर लो। अब देखो ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन क्या सेकेंडरी कार्बन, बिकॉज ये किधर है, किधर से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, SN1 में रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी ना। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बड़े आसानी से बना लोगे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जरा देखो यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे ये CH3 है, यहां पे मैंने BR लगा लिया, ठीक है ये CH3 है, यहां पे BR लगा लिया और यहां पे लिखा मैंने CH2Br। ओके, रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन क्या ढूंढोगे? क्वेश्चन देखते क्या चेक करोगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी? ठीक है, यस देखो ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है टर्शियरी कार्बन से, ये आपका 3 डिग्री है, ये देखो 2 डिग्री है, देखो 1 डिग्री है, बड़े प्यार से बना लोगे, ये क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का? हाँ या ना, जरा बोल दो, अरे जरा बोलो। ठीक है, देखो हमने ये लिया है CH3 CH2 CH, मान लो हमने यहां पे CH3 और यहां पे ले लिया Cl। ओके, CH2 हमने ये ले लिया Cl, दूसरा हमने ले लिया देखो यहां पे CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है बच्चे, बोलो। अब यहां पे जरा देखो, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, अब क्या करोगे? दोनों प्राइमरी, दोनों 1 डिग्री है, किसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री में होगा? ठीक है, अब जरा देखो, थोड़ा सा खोपड़ी चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ, इसको यहां से हटाओ पॉजिटिव चार्ज, यहां से इसको हटाओ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? अब जरा देखो एल्काइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डोनर, एल्काइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डोनर ब्रांचेस है ना, ब्रांचिंग है, बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, ये अपना साइड से भी इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो हाँ या ना? ये अपना क्या इधर से इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है, बोलो ये स्ट्रेट से आ ही रहा है, और ये ब्रांचिंग वाला भी क्या करेगा, ये साइड से अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो डिस्टेंस मैटर कर रहा है, यहां पे जो है एल्काइल ग्रुप बिल्कुल पास से, देखो पास से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोलो, और यहां से क्या दूर है ना, डिस्टेंस है ना, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बताओ? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, यहाँ पे क्या दूर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बोलो। अगर कोई रिश्तेदार हमारे पास होते हैं, पास से भी क्या डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है ना, बोलो। लंदन वाले ताऊ को फोन करोगे तो ठीक है बेटा, अकाउंट नंबर डाल दो, पैसे डालेंगे, लेकिन अगर घर के पास होते जरूरत होता फटाक से उसे ले लेंगे ना, बोलो। बात समझ में आ रही है? तो जैसे यहां पे बच्चे ब्रांचेस दूर देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या कम हो जाएगा, ये बिल्कुल पास है तो ये फटाक से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे यहां पे है ना ये निकलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देख लोगे डोनर ग्रुप अगर दूर है तो स्टेबिलिटी कम, और डोनर ग्रुप पास रहेगा स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, दूसरा ये भी देख लोगे कि ब्रांचिंग जहां पे दूर रहेगी रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, जहां पे ब्रांचिंग पास है रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी का ये हो जाएगा ऑर्डर 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 ऑर्डर। बताऊं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? चलो स्टेबिलिटी ही तो चेक करना है बच्चे, कुछ अलग तो करना ही नहीं है।
बोलो करना है क्या? नहीं करना ना। देखो एक 2014 आई थिंक नहीं 17 में जेई मेन का क्वेश्चन था, है ना। सोचोगे यार इतना इजी क्वेश्चन पूछता है क्या? ठीक है, क्वेश्चन क्या था वही घुमा फिरा के कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट पे नहीं जाना। ओके ऐसा था, तीन ऑप्शन था यहां पे, एक लिखा हुआ है CH3 CHCl CH2 CH3, ठीक है बच्चे। दूसरा यहां पे था CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। और तीसरा यहां पे था दैट इज अ बेंजाइल क्लोराइड। ओके वो लिखा हुआ था बेंजाइल क्लोराइड, बट मैं क्या करता हूं यहां पे इस फॉर्म में लिख देता हूं CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड। अब क्या करोगे, चेक कर लोगे, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इन दोनों में किसकी ज्यादा हो जाएगी? 2 डिग्री वाले की हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद अगर देखो बेंजाइल वाले से, तो बच्चे अभी मैं यही वाला केस डिस्कस करने वाला हूं कि ये जब यहां से निकलेगा तो क्या बनाएगा बताओ, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन किससे होगा बताओ, रेजो स्टेबल हो जाएगा ना, रेजो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, 3, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, ये इसका ऑर्डर था। बात समझ में आ रही है? आ रही ना समझ में? ओके 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 देखो दूसरा यहां पे मैं कंपेयर करता हूं CH2Cl। ओके दिस इज बेंजाइल क्लोराइड और यहां पे मैं ले लिया CH2CH2Cl। दिस इज एलाइलिक हैलाइड में एलाइलिक हैलाइड ले लिया, एलाइलिक क्लोराइड ले देता हूं, Cl यूज करा है। कौन ज्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा SN1 में बोलोगे, ये क्यों? इसका देखो कार्बोकेटाइन बना लो, यहां पे कार्बोकेटाइन बना लो CH2, यहां से Cl निकलेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो गया ना, और यहां से ये निकलेगा तो क्या बनाएगा बताओ, CH2CH2+ बोले तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन और ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है बच्चे, इसका 4RS होता है और इसका क्या होता है 2RS होता है। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये मोर स्टेबल होगा, बोलो हाँ या ना, ये मोर स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताओ, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है SN1 रिएक्शन में क्या करेगा, ये फास्टर जाएगा। इन दोनों में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली बेंजाइल क्लोराइड है। क्या समझ में आ गया? क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन एलाइलिक वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, जरा देखो यहां पे स्टेबिलिटी का जो बच्चा यहां पे ऑर्डर होता है ना, सबसे पहले बताओ यहां पे कौन हो जाएगा बताओ, बेंजाइलिक वाला आएगा, हाँ या ना बोलो, बेंजाइलिक हैलाइड होगी यहां पे, बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एलाइलिक वाला आएगा, एलाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी SN1 में। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, एल्काइल हैलाइड की आती है, एल्काइल हैलाइड की आती है। और एल्काइल हैलाइड वाले में भी क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देखो ये ऑर्डर मैंने लिख दिया, NCERT भी लिखा हुआ सेम ऑर्डर ऐसे वैसे, बट यहीं से क्वेश्चन आता है और आप लोग बड़े प्यार से उसको क्या करते हो, गलत करके आ जाते हो। बात समझ में आ रहा ना? अब जैसे अगर मैं यहां पे दे दूं, मान लो हमने यहां पे लिख दिया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कई बार तो मैं भी गलत हो गया था, कई बार तो मैंने भी मिस्टेक करा था यहाँ पे। दिस इज टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड हमने ले लिया, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आरे धीरे धीरे मैं प्रॉब्लमेटिक हो रहा हूं, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा टुवर्ड्स SN1, SN1 में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे सर बेंजाइल हैलाइड, यस बोलोगे भी, बिकॉज यहां पे बोलोगे ये टूटेगा तो ये टूटेगा, ये टूटेगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन आएगा ना, बोलो हां जी ना जी बोलो, अरे हां जी ना जी बोलो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हो गया और यहां पे ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बोलोगे सर बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट या क्या हाइपर कंजुगेशन बोलोगे। बट आई वुड लाइक टू से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन
बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिमाग में फिट कर दो, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पूछता तुम गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, याद रखना इसको कि टर्ड ब्यूटाइल वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इवन ये रेजोनेंस स्टेबल है, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, टर्शियरी ब्यूटाइल की स्टेबिलिटी बेंजाइल वाले से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसकी हो जाएगी बताओ, इसकी हो जाएगी ना, चक्कर मत खा जाना है यहाँ पे। एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे जरा देखो, एक मैंने सेकेंडरी वाला ले लिया, सेकेंडरी प्रोपाइल वाला ग्रुप ले लिया, और दूसरा मैंने एलाइलिक वाला ले लिया, ठीक है। एकदम दिमाग से क्लियर रखना, SN1 में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज जो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी एलाइलिक वाले से ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो यहाँ पे, अगर मैं लिख दिया यहाँ पे, जेई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे भाई, जेई में भी यहाँ पे देखो इसकी स्टेबिलिटी इस एलाइलिक वाले से ज्यादा हो जाएगी, समझ में आ रहा ना, बोलो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। पता है लाख तक एक ही बात है, ये बहुत बार पूछता, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लोग इसके साथ आ जाते हैं, एलाइलिक वाले के साथ क्यों देखता है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाता है द कार्बोकेटाइन इज स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन द कार्बोकेटाइन स्टेबिलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बट पॉइंट इज टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दिस इज प्रोपाइल सेकंड डिग्री इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक, और इधर थर्ड वाले भी क्या हो जाएगा, बेंजाइल वाले से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अपनी खोपड़ी में इसको क्या थोड़ा सा स्थान दे दो, कॉपी करो, मिटा दूं, धोखा ना खा जाए ना, धोखा धोखा ही तो होता है ना दुनिया में, बिल्कुल धोखा नहीं खाओगे। दोनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, बात समझ में आ रही ना, कि जैसे मान लो ठीक है, यहां पे मैं क्वेश्चन ऐसे दे देता, करेक्ट ऑर्डर ठीक है ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पे चार ऑप्शन बना देता मैं, फर्स्ट ले लेते हैं यहां पे, दिस इज लिख देगा वो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ओके, तीसरा एंड चौथा बेंजाइल, क्लियर है ना, इन दोनों में बोलो तो पहला कौन आ जाएगा, फर्स्ट फिर फोर, क्लियर है ना, और इन दोनों में पहले किसका आएगा बताओ, थर्ड, एंड लास्ट में आएगा क्या, सेकेंड, इज क्लियर, क्लियर क्लियर है ना, ओके, देख लो जरा, दिस इज बेंजीन, हियर Cl, हियर, बोलो सबको पता चल गया होगा, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, बोलो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, क्लियर बात ना, यही ऑर्डर आ जाएगा ना, बोलो टर्शियरी की ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्ड, क्लियर है, बोलो बोलो जी, है ना। तो बच्चे ओवरऑल क्या करोगे बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ही चेक करोगे, वहां पे अगर आता है तो बहुत आराम कर लोगे, ठीक है ना। बेंजाइल और एलाइल वाला केस में करवा दिया, बेंजाइल एलाइड मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, बोलो बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसलिए क्लियर है ना, तो सब अच्छे से कर लोगे, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना पूरा ना। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये लिया, CH3 हियर Cl, OCH3 फर्स्ट, दूसरा CH3Cl NO2 थर्ड, CH3 अब रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ SN1 में,
रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दो, ठीक है। तो क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करोगे ना, सब में क्या करोगे, ये भी क्वेश्चन बच्चे जेई में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखो, सीएल हटा दो, सीएल हटा दो, है ना। तो सीएल हटा दोगे तो बताओ यहाँ पे कार्बोकेटायन, बस मैं समझा रहा हूं, देखो कार्बोकेटायन ये बनेगा, यहां से सीएल हटा दो कार्बोकेटायन, सब जगह हटा दो कार्बोकेटायन, ये हटा दो कार्बोकेटायन। अब क्या करना है बताओ, स्टेबिलिटी चेक करो, ये बताओ क्या है, ओसीएसपी ग्रुप है ना, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, हाँ या ना। ये देखो माइनस खतरनाक होता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है NO2 ग्रुप, यहाँ पे ये क्या हो रहा है बताओ, प्लस एफ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर सबसे स्ट्रांग स्टेबिलिटी देखोगे तो प्लस एम वाले की होती है, बोलो डोमिनेट करता है ना, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बताओ, सबसे ज्यादा हो जाएगी ना। तो अगर यहाँ पे अब देखो सीएलसीएल लगा दो, यहाँ पे सीएलसीएल यहाँ पे जो भी लगा दिया, अगर 1, 2, 3 का अगर ऑर्डर कर दे तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद किसका आएगा बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबल हो रहा है, उसके बाद थर्ड का नंबर आ जाएगा, उसके बाद किसका, फोर्थ का नंबर आ जाएगा, और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव है वो NO2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस एम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बोकेटायन को, क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा क्या, यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। SN1 रिएक्शंस है ना, इसमें की पॉइंट क्या है बताओ, SN1 के लिए की पॉइंट क्या मैंने बता दिया बताओ, स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब SN1 का जो मतलब होता है यहाँ पे वो क्या होता है बताओ, SN1 का मतलब हो गया स्टेबल एंड बल्की ग्रुप, स्टेबल एंड बल्की ग्रुप हो जाएगा, स्टेबल एंड क्या, बल्की ग्रुप, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या करोगे आप, उसी को याद रखोगे, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या करोगे, चेक कर लोगे, बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे देता हूं बताओ, ये दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, ये सारे CH2Cl है, और दूसरा मैंने एक दे दिया आइसोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड, है ना, कि SN1 में किसकी रिएक्टिविटी होती है। बच्चे फिर से क्या करोगे बताओ, यहां से कार्बोकेटायन आप बनाओगे, ये कार्बोकेटायन बना लोगे, क्या आएगा यहाँ पे CH2 पॉजिटिव आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा बताओ, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, CH2 पॉजिटिव हो जाएगा। सबको मालूम है कि आइसोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन जो होता है ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हियर सबसे ज्यादा होती है, ये बताओ ये क्या हो जाएगा बताओ, मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और बेंजाइल कार्बोकेटायन यहां पे ये क्या हो जाएगा बताओ, लेस स्टेबल हो जाएगा, बात समझ में जा रही ना, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसलिए SN1 की रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, बस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लिया ना, अगर ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा है स्टेबल, तो इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो गई। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बच्चे मोर स्टेबल होता है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, ये दिमाग में याद रखो कि बहुत ही फेमस कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और एक्चुअली ये पार्ट GOC का ही है, ठीक है। बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वगैरह हमने क्या पढ़ना है, तो SN1 रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपने चेक करना आना चाहिए, मतलब प्लस है माइनस है, प्लस आई माइनस आई, हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कर लोगे, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैं मिटाऊं क्या यहाँ पे, मिटाऊं, मिटा दूं। देखो यहां पे मैं कुछ कुछ और ले लेता हूं एग्जांपल्स, ऑर्डर ऑफ एक हमने ये ले लिया, दूसरा तीसरा ओके एंड चौथा, चौथा क्या ले लोगे, चौथा क्या ले लोगे, कुछ भी ले लो ना, क्या बड़ा पड़ रहा है, ठीक है ये बारह ले लिया। रिएक्टिविटी चेक करना किधर, SN1 रिएक्शंस में, जरा आप करो, करो जरा, कर लोगे क्या, ठीक है ऑर्डर चेक कर लेंगे। ये तो देखो वेल्यून है ना, इन दोनों में किसकी होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, इन दोनों में किसकी ज्यादा हो जाएगी बताओ, इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसका सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि देखो यहां पे, यहां से ये निकलेगा, समझ में आ रहा ना, ये पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, अरे ये निकलेगा,
ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, ठीक है, ये खींचेगा, कार्बोनाइल ग्रुप भी ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा बताओ, खींचेगा, नहीं तो इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे इस टाइप से कर लो कि CH2Cl है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, ये निकलेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो कीटोनिक होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो इसमें सबसे पहला नंबर आएगा फोर्थ का, देन किसका आ जाएगा बच्चे बताओ, इन दोनों में किसका आएगा, सेकेंड का आएगा, फिर किसका आएगा, थर्ड का आ जाएगा, और सबसे लास्ट में किसका आ जाएगा, फर्स्ट का आ जाएगा। तो ये तुम इस तरीके से क्या कर सकते हो, बड़े प्यार से, बड़े आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपना क्या था, SN1 रिएक्शंस का बच्चे बिल्कुल क्या बेसिक्स था, ठीक है। अब याद क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में और करवा देता हूं यहाँ पे, विच विल हाइड्रोलाइज इजली, है ना। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बेंजीन CH Cl है, यहाँ पे एक बेंजीन लगा हुआ है, इसका रिएक्शन करवाया क्या, एक्वस केवाइज के साथ। एक्वस केवाइज के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब होता है हाइड्रोलाइज करना। और दूसरा यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे CH2Cl, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्वस केवाइज, है ना। यहाँ पे मैं K1 मान लिया, इसको K2 मान लिया, किस कंडीशन में, K1 ग्रेटर देन K2 और K2 ग्रेटर देन K1, क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। ये देखो, ये निकल लेगा पॉजिटिव, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आएगा ना, बोलो, अरे बोलो ना, इसकी स्टेबिलिटी बच्चे क्या हो जाएगी बताओ, ज्यादा हो जाएगी ना, इसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बोल लो, ठीक है। दिस विल बी मोर स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, ओके। सो इस केस में K1 ग्रेटर देन K2, ठीक है। सो गाइस, दिस इज माय SN1 रिएक्शन, आई होप ये बेसिक्स है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना SN2 रिएक्शन आएगा, बेसिक्स रहेगा, उसके बाद फिर SN1 वर्सेस SN2 कि किस कंडीशंस में SN1 होगा, कब SN2 फॉलो करेगा, देन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2, एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1 SN2। अभी मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, दिस इज द बेसिक्स लेक्चर ऑफ SN1। बच्चे अभी तो क्या पिक्चर बाकी है, कहते हैं ना, अभी तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी SN1 SN2 का पूरी पिक्चर तो भी बाकी है, अभी जस्ट मैंने क्या किया, बेसिक्स। और इतना अगर आप बेसिक्स करके आओगे, नेक्स्ट SN2 भी बेसिक्स आएगा, उसके बाद तो भाई मजा आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।